आप सोचेंगे क्या ये ज्योति को क्या हो गया, क्या मटरिंग कर रही है, कुछ भी बोल रही है, बता भी नहीं रही है कि क्या बोल रही है और क्या बताने वाली है, बस मटरिंग कर रही है, कुछ भी बोल रही है। तो गाइस डोंट टेक टेंशन, मैं आज आप लोग को पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बताने वाली हूँ। जी हाँ, सबकी अपने अलग अलग पर्सनालिटी होती है, सबकी पर्सनालिटी में कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, कोई किसी तरह होता है, कोई किसी तरह होता है, कोई किसी तरह होता है। तो आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जितने लोग होते हैं उतनी तरह की उनकी पर्सनैलिटी होती है और उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। जैसे आपके एज एग्जाम्पल आपके फ्रेंड सर्कल में चार लोग हैं, तो चारों लोग में कुछ ना कुछ स्पेशल कुछ ना कुछ जरूर होगा। सब चार एक जैसे नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। कोई बहुत ही लाइट फिंगर्ड होगा, कोई अ नाइट ऑल होगा, कोई एन अर्ली बर्ड होगा, एंड कोई सॉरी वेट, हाँ कोई वेट ब्लैंकेट होगा। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितने भी इडियम्स और फ्रेजेस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश वर्ड्स में नए इडियम्स और फ्रेजेस ऐड करूंगी। मुझे लगता है जितना आप जान लें इंग्लिश के बारे में उतना ही अच्छा होता है और उतने ही आप ग्रोथ करेंगे, उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। तो बहुत होगी बक बक, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, नंबर वन एन अर्ली बर्ड मीन्स वो लोग जो कि बहुत ही जल्दी उठना पसंद करते हैं, रात में जल्दी बेड में सोना पसंद करते हैं, सुबह उठना पसंद करते हैं। वो आपने सुना होगा ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जी हाँ, जल्दी जो लोग जल्दी सोते हैं वो जल्दी उठते हैं और अच्छा होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वेल्दी होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। तो एन अर्ली बर्ड मीन्स जो लोग रात में जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी मॉर्निंग उठना पसंद करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को हम बोलते हैं शी इज एन अर्ली बर्ड। क्या आई एम एन अर्ली बर्ड? यस, आई एम एन बर्डी एन अर्ली बर्ड। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आई एम एन अर्ली बर्ड बिकॉज आई लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस, आई एम एन अर्ली बर्ड बिकॉज आई लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो गाइस, अच्छा लग रहा है ना? जी हाँ, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जिनको जल्दी उठना पसंद है, उनको हम अर्ली बर्ड से बोल सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी को हम एन अर्ली बर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ही इज एन अर्ली बर्ड, सी इज एन अर्ली बर्ड, या फिर माय मदर इज एन अर्ली बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अ नाइट आउल मीन्स जो कि रात में देर तक जगते हैं, रात में उनको जगना ज्यादा पसंद है, दिन में देर तक सोना ज्यादा पसंद करते हैं और रात में देर तक जगना ज्यादा पसंद करते हैं, और रात भर स्टडी करते हैं या वो अपना कुछ भी प्रोफेशन वगैरह करते हैं। तो बोलते हैं नहीं कि मैं दिन में नहीं पढ़ पाता, बट मैं रात में फुल नाइट पढ़ सकता हूँ, 3 बजे तक पढ़ सकता हूँ, 4 बजे तक पढ़ सकता हूँ। तो उनको बोलते हैं अ नाइट आउल। जी हाँ, अ नाइट आउल। उनकी पर्सनैलिटी को हम आई नाइट आउल करके डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यू आर अ नाइट आउल, ही इज अ नाइट आउल एंड शी इज अ नाइट आउल। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज अ नाइट आउल। माई फ्रेंड इज अ नाइट आउल बिकॉज सी वर्क्स लेट एट नाइट। माई फ्रेंड इज अ नाइट आउल बिकॉज सी वर्क्स लेट एट नाइट। ओके, नेक्स्ट वन इज अ स्केप गोट। अ स्केप गोट इट मीन्स बलि का बकरा बनना। जी हाँ, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो बहुत ही सिंपल और शाइनी चक्के होते हैं, बहुत ही सीधे और साधारण व्यक्ति होते हैं, उनको बलि का बकरा बना देते हैं, यानी काम वो करते हैं और बलि का बकरा उनको बना देते हैं, जो कि इट्स नॉट अ राइट वे। ठीक है, गलत चीज़ है, लेकिन बट क्या करें, लोग हैं, अपनी भी सोच है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आ स्केप गोट मतलब बलि का बकरा, स्केप गोट मीन्स बलि का बकरा बनाना। तो आप उसको इस तरह डिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे अगर आपने किसी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि, तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। रमेश इज अ वेरी शाई इन नेचर।
सो पिप कीप मेकिंग अ स्केप कोट. सो पिप कीप मेकिंग अ स्केप कोट. जी हाँ, रमेश बहुत ही शाय नेचर का है, तो लोग क्या करते हैं, उसको बलि का बकरा बना देते हैं. काम वो करते हैं और बलि का बकरा उसे बना देते हैं, यानी इल्जाम उस पर डाल देते हैं. तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में अ स्केप कोट, यानी रमेश इज अ स्केप कोट पर्सनैलिटी. रमेश इज अ स्केप कोट पर्सनैलिटी. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अ वेट ब्लैंकेट. वेट ब्लैंकेट मीन्स उदासीन होना, बिल्कुल एंथुजेस्टिक ना होना, एक लाइवली पर्सन ना होना, उबाऊ होना, बोरिंग होना. जैसे कुछ लोग ही बहुत ही एंथुजेस्टिक होते हैं, बहुत ही लाइवली पर्सन होते हैं, ना कुछ उनको मन में होता है कि मैं कुछ नया करूं, कुछ करूं. और कुछ लोग बहुत ही बोरिंग टाइप के होते हैं, उदासीन होते हैं, नीरस होते हैं. उनकी लाइफ में बस एक डेली रूटीन सा बराबर चलता रहता है, बट वो दे डू नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स. तो उनको बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट, यानी बोरिंग टाइप का होना, उदासीन होना, नीरस होना. तो मैं माई कजिन ब्रदर इज अ वेट ब्लैंकेट सो ही इज नेवर इन्वाइटेड एनीवेयर. माई कजिन ब्रदर इज अ वेट ब्लैंकेट सो इज नेवर इन्वाइटेड एनीवेयर. जी हाँ, मेरे कजिन ब्रदर जैसे कहते ना कि बहुत ही बोरिंग, कुछ लोग बहुत ही एंथोजेस्टिक होते हैं, बहुत ही लाइवली होती हैं और जिंदा दिल टाइप के इंसान होते हैं, बट कुछ लोग बहुत ही बोरिंग होते हैं. एक उन्हें डेली रूटीन में ही जीना पसंद होता है और ज़्यादा कुछ लाइवली नहीं होते, जिंदा दिल इंसान नहीं होते, एक जगह बैठना पसंद है. एक उनके अंदर एक तरह का आलस भी होता है, तो उसको बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट. यस, अ वेट ब्लैंकेट. नेक्स्ट वन इज फुल ऑफ बीन्स. नेक्स्ट वन इज फुल ऑफ बीन्स. फुल ऑफ बीन्स मीन्स जस्ट अपोजिट. अ वेट ब्लैंकेट का जस्ट अपोजिट मीन्स लाइवली पर्सन, एंथुजेस्टिक पर्सन, जिसके पास ढेर सारी चीजें हो कुछ करने के लिए और बहुत ही एक्टिव हो और जिंदा दिल इंसान हो, उसको बोलते हैं अ फुल ऑफ बीन्स. बीन्स तो मीन्स कॉफी का से ही आप जोड़ सकते हैं, आप कॉफी से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप लोगों को कभी कभी बहुत ही लेजनेस फील होता होगा, बहुत ही लगता होगा क्या बस पड़े रहे, कुछ नहीं मन होता करने का. लेकिन अगर आप कॉफी पी लेते हैं एक बना के, तो आपको लगता है फुल ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी से लगती है कि हाँ चलो बस बहुत हो गया, लेट लेट चलो कुछ काम करते हैं, एक अंदर से एक्टिवनेस फील होती है. तो आप उसको इस तरह बोल सकते हैं आप फुल ऑफ बीन्स, यानी फुल ऑफ बीन्स पर्सनैलिटी को भी बोल सकते हैं फुल ऑफ बीन्स, यानी बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति है वो, बहुत ही एंथुजेस्टिक है, लाइवली पर्सन है. तो ऐसे लोगों को फुल ऑफ बीन्स बोलते हैं. मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. द पीपल हु आर फुल ऑफ बीन्स दे मेक यू हैप्पी ऑलवेज. द पीपल हु फुल ऑफ बीन्स दे मेक यू हैप्पी ऑलवेज. जी हाँ, वो हमेशा आपको खुश रखते हैं और जो कि बहुत ही एंथुजेस्टिक होते हैं और बहुत ही लाइवली पर्सन होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज हॉट ब्लडेड. हॉट ब्लडेड मीन्स ये भी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ही गर्म मिजाज के होते हैं और उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बार बार पे गुस्सा हो जाते हैं और शॉर्ट टेम्पर होते हैं. उनको बोलते हैं हॉट ब्लडेड, यानी बहुत जल्दी गुस्सा होना, बार बार पे गुस्सा होना, शॉर्ट टेम्पर होना. तो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. My teacher was so hot blooded, scolded us every day. तो मेरी टीचर बहुत ही गर्म मिजाज की थी, तो वो हम लोग को रोज डांटा करती थी. ठीक है, या डांटती थी. सॉरी. नेक्स्ट जो वन इज लाइट फिंगर. लाइट फिंगर मीन्स ईमानदार ना होना. जी हाँ, ट्रस्टवर्दी ना होना, ईमानदार ना होना, जिसमें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं लाइट फिंगर. तो नेक्स्ट वन इज लाइट फिंगर. मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. रमेश इज अ लाइट फिंगर, यू कांट ट्रस्ट हिम. या रमेश इज अ लाइट फिंगर ऑफ पर्सनैलिटी, यू कांट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन. ओके, नेक्स्ट वन इज टाइट फिस्ट. टाइट फिस्ट मीन्स
कंजूस जो कि पैसे को बहुत ही मजबूती से पकड़ता हो और जल्दी पैसे को खर्च नहीं करता हो, सैलरी मिलते ही पहले बैंक में डालने के बारे में सोचता हो, बाद में खर्च करने के बारे में सोचता हो, उसको बोलते हैं टाइट फिस्टेड। ये भी एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, टाइट फिस्टेड बोल सकते हैं आप। ही इज अ टाइट फिस्टेड या सी इज अ टाइट फिस्टेड। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। डोंट एक्सपेक्ट टू हर परचेज द मूवीज ऑफ टिकट, डोंट एक्सपेक्ट टू हर परचेज द मूवी ऑफ टिकट बिकॉज सी इज अ वेरी टाइट फिस्टेड। जी हाँ, उसे आप मूवी या पिक्चर्स लेके टिकट खरीदने के बारे में मत सोचो क्योंकि वो बहुत ही कंजूस टाइप की है। सो नेक्स्ट वन इज टू फेस्ड। टू फेस्ड मीन्स दोहरा चरित्र होना, दोगला होना, जो कि कहता कुछ और है और करता कुछ और है, उसको बोलते हैं टू फेस्ड। जी हाँ, ये भी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, टू फेस्ड, यानी कहना कुछ और करना कुछ और, आपके सामने कुछ और है पीठ पीछे आपके कुछ और है, तो उसको बोलते हैं टू फेस्ड पर्सनैलिटी। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। I think some politicians are two-faced personality because they say something else and they do something else. जी हाँ, वो कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है, तो ऐसे लोग को बोलते हैं two-faced personality, यानी दोगले इंसान होते हैं तो उनको हम two-faced personality बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज वेल ऑफ। जी हाँ, नेक्स्ट वन इज वेल ऑफ। वेल ऑफ मीन्स ऐसे लोग जो कि ठीक ठाक संपन्न होते हैं, उनको पैसे खर्च करने के बारे में दो बार सोचना नहीं होता है और ठीक ठाक लाइफ, एक बहुत ही लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे होते हैं, बट हाँ ठीक ठाक एक अपर मीडियम आप कह सकते हैं, अपर मिडिल क्लास फैमिली होती है, उस टाइप के लोग को बोलते हैं वेल ऑफ। कहते हैं सीज अ वेल ऑफ पर्सनैलिटी या फिर सीज अ बिलोंग टू वेल ऑफ फैमिली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेल ऑफ पर्सनैलिटी। सॉरी, आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। She purchases the branded clothes in every weekend. She purchases the branded clothes in every weekend because she's a well of personality. जी हाँ, वो हर वीकेंड में कपड़े खरीदती है क्योंकि वो एक well of personality है जो कि खर्च करने में ज्यादा सोचती नहीं है। सो गाइस, ये तो हमारे कुछ पर्सनैलिटी रिलेटेड कुछ idioms, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। जी हाँ, बेल आइकन जो प्रेस करिए, जब भी आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप हेल्दी। जी हाँ, लर्न भी करते रहिए और सीखते भी रहिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। सो गाइस, नेक्स्ट में जस्ट फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगी। सो कीप स्माइलिंग, बाय।